हेलो फ्रेंड्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के मोमेंट्स का यानी सप्लामेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर एट है अ हाउस इज नॉट अ होम बाय जैन गॉड स्यू इसका जो हम लोग ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट करेंगे फ्रेंड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बहुत सारे एम भी आप अपना कम्प्लीट कर सकते हैं तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लानीशन इसमें फर्स्ट नंबर है वन ऑफ हिस प्रॉब्लम सुबाज ही वाज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेश मैन यानी उसकी एक समस्या यह थी कि वह एक नए व्यक्ति के रूप में शुरुआत कर रहा था ये ट्रू है दिस इज ट्रू सेकेंड नंबर है आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम यानी मुझे अपने पुराने शिक्षकों की इतनी याद आती थी कि मैं वापस जाकर उनसे मिलने जाता था तो ये ट्रू है दिस इज ट्रू थर्ड नंबर क्वेश्चन है आई कुडंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इन वार द टीचर्स यानी शिक्षक जो कह रहे थे उसका मनोविज्ञान मुझे समझ में नहीं आया ये फॉल्स है दिस इज फॉल्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आई हैड रेस्क्यूड हर वेन सी वॉज इनसाइड बर्निंग हाउस यानी जब वह जलते हुए घर के अंदर थी तब मैंने उसे बचाया था ये फॉल्स है दिस इज फॉल्स फाइव नंबर क्वेश्चन है ग्रोपिंग दियर वे went इन टू house, यानी वे मार्ग टटोलते हुए घर में चले गए ये फॉल्स है दिस इज फॉल्स सिक्स नंबर है द running केम रनिंग एंड दे author call द फायर डिपार्टमेंट यानी पड़ोसी दौड़ते हुए आए और उन्होंने लेखक से अग्निशमन विभाग को बुलाने को कहा ये फॉल्स है दिस इज फॉल्स सेवन नंबर है दी आथर्स फादर हैड डाइड व्हेन ही यानी दी आथर वाज यंग यानी लेखक के पिता की मृत्यु हो गई थी जब वह यानी लेखक छोटे थे ये ट्रू है दिस इज ट्रू एट नंबर क्वेश्चन है दी आथर वाज अवियर दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फील्ड विद फायर ट्रक्स यानी लेखक को पता था कि सड़क पहले से ही दमकल गाड़ियों से भरी हुई थी ये फॉल्स है दिस इज फॉल्स नाइन नंबर क्वेश्चन है दी फायरमैन मैन अ ब्लैंकेट अराउंड दी याथर एंड साइट हिम डाउन इन द चेयर यानी फायरमैन ने लेखक के चारों ओर एक कंबल लपेटा और उसे अपनी कार में बिठा दिया ये ट्रू है दिस इज ट्रू टेन नंबर क्वेश्चन है फाइव आवर्स लेटर द फायर वाज फाइनली आउट यानी पाँच घंटे बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया ये ट्रू है दिस इज ट्रू इलेवन नंबर है दैट नाइट led मैन mother and एंड son गो बैक इन टू house ने उस रात अग्निशम को शाम को ने माता और सूर्य को वापस घर में जाने दिया ये फाल्स है दिस इज फाल्स ट्वेल्व नंबर है दैट नाइट हिज ग्रैंड पेरेंट्स विजिटेड देम टू स्पेंड night एट the their हाउस यानी उस रात उसके दादा दादी उसके यानी उनके घर पर रात बिताने के लिए उनसे मिलने आए ये फाल्स है दिस इज फॉल्स थर्टीन नंबर है आई हैड नो बुक्स आर होमवर्क एंड माई बाइक पैक वॉज गॉन यानी मेरे पास कोई किताब या गृह कार्य नहीं था और मेरा बाइक पैक चला गया था ये ट्रू है दिस इज़ ट्रू फोर्टीन नंबर है The author was so much disappointed that he just wanted to curl up and die. यानी लेखक इतना निराश था कि वह सिर्फ कर्ल करना और मरना चाहता था ये ट्रू है दिस इज ट्रू फिफ्टी नंबर है दे हैड नो क्रेडिट कार्ड्स कैश आर इवेन एनी आइडेंटिफिकेशन शो दे हैड टू बारो मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स यानी उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नगद या कोई पहचान पत्र भी नहीं था इसलिए उन्हें अपने दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े ये ट्रू है दिस इज ट्रू सिक्सटी नंबर है एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई दे प्लाइट यानी हाई स्कूल में शिक्षकों सहित हर कोई मेरी यानी लेखक की दुर्दशा से अवगत था ये ट्रू है दिस इज ट्रू सेवेंटीन नंबर है वुमन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माय कैट्स यानी वहाँ एक औरत मेरी बिल्ली को पकड़े खड़ी थी ये ट्रू है दिस इज ट्रू एटीन नंबर है ए मंथ लेटर आई वाज एट माय हाउस वाचिंग देम रिब्यूल्ट इट यानी एक महीने बाद मैं अपने घर पर उन्हें उसका पुनः निर्माण करते देखा था ये ट्रू है दिस इज ट्रू नाइनटीन नंबर है ए मैन ब्रॉट दी ऑथर्स लास्ट कैट बैक टू हिम यानी एक आदमी लेखक की खोई हुई बिल्ली को वापस उसके पास ले आया ये फाल्स है दिस इज फाल्स ट्वेंटी नंबर है ही लिफ्ट अप एंड ग्रैप द कैट आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म यानी तब वह उछला और बिल्ली को स्त्री के हाथ से पकड़ लिया ये ट्रू है दिस इज ट्रू तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग